নিশা ব্রহ্মপুত্রর বুকের আরক্ষে চলাইছিলে অভিযান সুরং ব্যাপারী লক্ষ্য করে আরক্ষে তেরো যায় গুলি চালনা করেছিলে আর এই গুলি চালনাত গুলিবিদ্ধ হয়েছে দুজন কয় গরু চোরাং ব্যবসায়ী ব্যাপারী আর আটটা কয় গরু জব্দ হয়েছে জানাইছে মুহূর্তের এক ডাঙর খবর টাইমিটর দর্শক চোরাং ব্যাপারী লক্ষ্য করে আরক্ষে চলাইছিল তেরো যায় গুলি জানাইছে মুহূর্তের এক ডাঙর খবর টাইমিটর দর্শক ধুবুরীত এনকাউন্টারের খবর আহি পড়ছে এই মুহূর্তে ধুবুরীত পুনের এনকাউন্টারের খবর আহি পড়ছে চোরাং ব্যাপারী লক্ষ্য করে আরক্ষে চলাইছিলে তেরো যায় গুলি চোরাং গরু সরবরাহকারীক লক্ষ্য করে তেরো যায় গুলি চালনা করা হয়েছিল আরক্ষীর গুলি লাগি রয়ে যাবলে বাধ্য হয়েছিল চোরাং গরুর ব্যাপারী উড়ে নিশা ব্রহ্মপুত্রর বুকত আরক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান দুটাক চোরাং গরু ব্যাপারী গুলিবিদ্ধ হয়েছে এই অভিযানত আর জব্দ হয়েছে নাওসহ আটটাক গরু আর ম ধুবুরী জেলা আরক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গুড়াবে প্রকাশ করেছে এই তথ্য জানাইছে মুহূর্তের এক বিশেষ খবর টাইমিটর দর্শক ধুবুরীত এনকাউন্টারের খবর আহি পড়েছেহি চোরাং ব্যাপারী লক্ষ্য করে আরক্ষীয়ে চলাইছিলে তেরো যায় গুলি আর এই গুলিত গুলিবিদ্ধ হয়েছে দুজন কয় গরু চোরাং ব্যাপারী ব্রহ্মপুত্রর বুকেরেদি এনেদরে বাংলাদেশ গরু চালান করে থাকা হয়েছিল আর এনে সময়সাতে গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয়েছিল আরক্ষী তেরো যায় গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয়েছিল আর এই গুলি লাগি রয়ে যাবলে বাধ্য হল চোরাং গরুর ব্যাপারী উড়ে নিশা ব্রহ্মপুত্রর বুকত আরক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান আর এই অভিযানত জব্দ হয়েছে আটটাক গরু আর ম দুটাক চোরাং গরু ব্যাপারী গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর আহি পড়েছেহি উড়ে নিশা ব্রহ্মপুত্রর বুকত আরক্ষীয়ে চলাইছিল এই বিশেষ অভিযান ধুবুরী জেলা আরক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গুড়াবে প্রকাশ করেছে এই তথ্য এই অভিযানত জব্দ হয়েছে নাওসহ গরু আর ম দুটাক চোরাং গরু ব্যাপারী গুলিবিদ্ধ হয়েছে উড়ে নিশা ব্রহ্মপুত্রর বুকত আরক্ষীয়ে চলাইছিলে এই অভিযান এনেদরে ব্রহ্মপুত্রর বুকুয়েরি গরু সরবরাহ করা হয়ে আছিল বাংলাদেশ আর তেনে সময়সাতে আরক্ষীয়ে গুলি চলাবলে বাধ্য হয়েছিল তেরো যায় গুলি চালনা করে আরক্ষী আর এই গুলিত রয়ে যাবলগিয়া হল দুজন কয় গরুর চোরাং ব্যাপারী कल रात आपको एक इन्फॉर्मेशन मिला कि नदी से कुछ गोरु जा रहा है कैटल जा रहा है बेसिकली नाव से जाएगा और इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा बेसिकली कैटल स्मगलिंग करने की कोशिश करेंगे तो कल रात में हमने एक टीम भेज दिया पानी में और करीबन 3 बजे हमने टीम भेज दिया था उन्होंने पानी में एम्बुश लगाया था माझे चार के आसपास तो अराउंड 5 बजे के आसपास 5:30 होंगे उस टाइम में एक नाव मिला हमको जो एम्बुश में हमारे आ गया तो पुलिस ने देखा कि उस नाव में गोरू है कुछ तो उन लोगों को हमने बोला कि रुकने के लिए इशारा किया लेकिन वो लोग रुके नहीं और तेज़ी से नाव जा रहा था तो हमने पीछा किया नाव का तो जब स्मगलर को पता चला जो कैटल लेके जा रहे थे कि पुलिस अभी नाव पकड़ लेगी उन्होंने हमारे नाव को धक्का देना चालू कर दिया और बार बार वार्निंग देने के बाद भी नाव रुका नहीं इसलिए पुलिस को फायरिंग करना पड़ा पहले हमने वार्निंग देने के लिए फायर किया लेकिन वो लोग रुके नहीं फिर हमारा अपनी खुद की जान बचाने के लिए और हमारा बोट का जो नुकसान हो रहा था उसको बचाने के लिए हमने कंट्रोल फायरिंग किया उसके बाद वो नाव रुक गया रुकने के बाद नाव में जो लोग थे वो एक चर के पास में रुक गए नाव तो हमारा पुलिस का नाव जब तक वहाँ पहुँच जाता तब तक उन्होंने जंप किया और वो लोग भाग गए तो उसमें बाद में खबर आया कि कुछ 2 लोग इंजर हुए हैं तो उस टाइम पर हमने वहाँ सर्च करने की कोशिश किया लेकिन फॉग था विजिबिलिटी कम था और हमको वहाँ कुछ मिला नहीं फिर हमने नाव और जो गोरु है उसको हम लेके आए फिर आज सुबह में हॉस्पिटल में हमको जो 2 इंजर थे वो हॉस्पिटल जब आए तो हमने देखा उनको उनका कंडीशन अभी स्टेबल है तो हम इसमें इंक्वायरी करेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन लोग शामिल हैं और हमारी टीम को जैसे पता चला कि टोटल 4 लोग थे नाव में तो बाकी 2 लोग कौन हैं नाव किसका है कौन गोरु कहाँ लेके जा रहा है कैसे बॉर्डर में पार हो रहा है सब चीज़ हम इसका इंक्वायरी करेंगे जैसे अपडेट आता है हम आपको बता देंगे टोटल 13 राउंड फायर हुए हैं और उसमें से अभी तक जो पता चला है कि 2 लोग इंजर हुए हैं जो हमारे हॉस्पिटल में हमको मिले हैं ये बिल्कुल सच नहीं है हमारा ऑपरेशन पानी में हो रहा था हमने नाव को स्टक किया है और वहाँ सर्च भी किया हमने तो हमको जो आदमी है
वहाँ सर्च करने के बाद कोई मिला नहीं, ठीक है, हमको अगर मिलता वहाँ पे तो हम ज़रूर उनको हॉस्पिटल में लेके आते।